हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के चैनल पर। आज मैं आपको वो एकदम फेमस डिश की रेसिपी बताने वाली हूँ। जी हो, जी हाँ, जिसका नाम है गट्टे के चावल, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। राजस्थान की एकदम फेमस डिश है गट्टे। इसे राजस्थान में गट्टार चावल बोलते हैं। तो देखते हैं आज हम गट्टे के चावल की रेसिपी, प्योर जैन रेसिपी है। यहाँ मैंने बड़े कप से 2 कप चावल भिगो के रख लिए है। लगभग हमने इसे आधा घंटा भिगोना है। हमें चावल को बहुत नरम नहीं पकाना है, इसलिए आज मैं इसे डबल बॉइलिंग के करके पकाऊंगी। मैंने एक बड़ा पॉट लिया है, उसमें मैंने 2 कप पानी लिया है और उसमें मैंने ये चावल का पॉट रख दिया है। हम चावल को पकते वक्त ही इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार लें और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, जिससे अच्छे से कलर आ जाएगा। अब हम इसे लगभग 20 मिनट तक पका लेंगे। हमने चावल पकने के लिए रख दिए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, गट्टा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप, बड़े वाले कप से 1 कप बेसन लिया है मैंने। ये हम एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे सब। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार लें। 1/2 टीस्पून अखा जीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्की सी भुनी हुई मैंने सौंफ ली है। सौंफ को हल्का सा भून लेना है। मोन के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें हल्का सा थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बिल्कुल कम पानी डाल के इसका आटे की जैसे गूंथते हैं वैसा गून लेना है। इसका थोड़ा हार्ड गूनना है, पानी बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि बेसन ऑलरेडी नरम हो जाता है। बिल्कुल कम पानी डालना है और इसका गोला बना लेंगे। इस तरीके से हमें एक डो रेडी कर लेना है। अब हम इसे 5-10 मिनट झक कर रख देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके 3 या 4 गोले बनाकर उसके रोल कर लेंगे। एकदम बारीक बारीक रोल करना है अच्छे से। इस तरीके से हाथ से हमें रोल करना है, एकदम बारीक रोल करना है। हम रोल करते तब तक हम एक कढ़ाई में, हमने यहाँ पानी बॉईल करने के लिए रखा है। एक कढ़ाई में मैंने लगभग 2 बड़े कप से पानी रखा है। पानी को अच्छा बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे रोल बना लिए। इस तरीके से हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें बुलबुले आना शुरू हो चुके हैं। अब हम ये जो हमने रोल बनाए ये हम इसमें डाल देंगे। इनको अच्छे से बॉईल करना है। लगभग 10 मिनट लगेंगे बॉईल करने के लिए। अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसमें इसे बीच बीच में हम हिलाएंगे। ये गट्टे अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। आज हम गट्टे के चावल बनाने वाले हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे गट्टे भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इन गट्टों के ऊपर ऐसे दाने दाने से आ चुके हैं, आप देख सकते हो। इसका मतलब हमारे गट्टे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। यदि आपको ऐसे ना समझे तो एक नाइफ लीजिए और इसे एक गट्टा ऐसे तोड़ के देखिए। हमारा नाइफ एकदम क्लीन आया, इसका मतलब हमारे गट्टे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। हमने गट्टे में से पानी निकाल लिया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। छोटे छोटे पीस करना है, राउंड राउंड करना है। इस शेप में हमें सारे कट कर लेना है। गट्टे के चावल के लिए मैंने यहाँ 2.5 कटोरे चावल जो हल्दी और नमक डाल के पकाए थे वो पक कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में लेकर उसे ठंडा कर लेंगे। हल्दी वाले चावल बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे ताकि अच्छे खुले खुले हो जाए। अभी आपको गीले गीले लग रहे होंगे, लेकिन ठंडे होते ही अच्छे खुले हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से खुले हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई गर्म करके इसमें लगभग मैंने 2.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होता है तब तक हम गट्टे चावल की सामग्री देख लेंगे।
हमने ये गट्टे रेडी करके रखे, इस तरीके से पीसेस कर लिए हमने उसके। लगभग 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बारीक कट कर लिए, थोड़ा सा करी पत्ता, 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिए, लगभग 2 तेज़पत्ते लिए, छोटी सी टुकड़ा कलमी का लिए, 2 सूखी लाल मिर्च, लगभग 3-4 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग लिए हैं। तेल गर्म हो गया, हम इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने देंगे, राई अच्छे से चटक चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरा भी अच्छे से चटक। गैस का पावर एकदम लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स, इसी के साथ में हरी मिर्च। हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम ये जो खड़ा मसाला हमने लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हमने जो बॉईल किए हुए गट्टे हैं वो डालेंगे। गट्टे को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे लगभग 2-3 मिनट तक। गट्टा फ्राई हो रहा है तब तक हम चावल में मसाले ऐड करेंगे। चावल पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमने चावल पकाते वक्त भी डाला है तो नमक देख के डालना है। इसके साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा। यदि ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। आपने ध्यान रखना है कि हमने हरी मिर्च भी ली है सो लाल मिर्च देख के डालना है। इसी के साथ में 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, गरम मसाला भी डाल देंगे हम इसमें। 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला भी डालना है। आप देख सकते हैं हमारे गट्टे भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें 1/4 से भी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/8 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। क्योंकि हमने गट्टे में भी हल्दी डाली, चावल पकाते वक्त भी डाली और चावल में मसाले मिक्स किए उसमें भी हल्दी डाली है। हमने चावल इसमें डाल के लिए, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है वरना चावल दब जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये प्योर जैन रेसिपी है, हमने इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो डाल सकते हो लहसुन तड़के में, बट आज हम पूरी जैन तरीके से बना रहे हैं तो हमने इसमें लहसुन अदरक प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसे कितना बढ़िया कलर आ चुका है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये राजस्थान की बहुत फेमस है, गट्टारा चावल बोलते हैं इसे राजस्थान में। लिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर है, खाने में भी बहुत ही स्पाइसी है, एकदम टेस्टी लगता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।